हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो चलिए, आज हम नए तरीके से पोंचू बनाते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये 46 फंदे लिए हैं, 23 पेयर हैं और 46 फंदे आते हैं इसमें। ये मैंने 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है हमने, जिसके लिए हमने 46 फंदे डालने हैं। अगर आप बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं तो इसमें जहाँ से नीचे से ज़्यादा फंदे डाल लीजिए। तो चलिए, मैं डिज़ाइन भी आपको साथ ही मैं बता दूँगी। ये देखिए, जो नेट वाला डिज़ाइन हमने डालना है, इसमें एक फंदा हमने ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं, उसके बाद हमने एक सिलाई सीधी आती है, आपकी तो सीधी डाल लीजिए, अगर उल्टी आती है तो आप उल्टी डाल लीजिए। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने ऐसे ही बना लिया। ये देखिए, एज स्टिच है, ये ऐसे ही उतारना है। फिर धागे को आगे करके, ये देखिए, ऐसे दो का हमने एक बनाना है, ये दो का एक बनाया, यहाँ पे हमारी जाली डल गई। फिर से धागा आगे करना है और दो का एक बना लेना है, फिर से धागा आगे, ऐसे ही करके हमने ये पूरी रोज कंप्लीट करनी है। ये देखिए, धागा आगे किया और दो का हमने एक बनाया, धागा आगे किया और दो का हमने एक बनाया। ये देखिए, ऐसे धागा आगे किया और दो को हमने सीधा बनाना है, ऐसे सीधा बनाना है आगे से पीछे की तरफ। ये देखिए, ऐसे, ये देखिए हमारी ये जाली डल रही है और दो का एक बन रहा है। जैसे हमारा ये एक फंदा कम हो रहा है और दूसरा फंदा हमारा बढ़ रहा है यहाँ से। ऐसे ही करके आप पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हम सिलाई के एंड में हैं। देखिए, हमारा पहले यहाँ पे फंदा हमने बढ़ाया था, ये देखिए, जहाँ से हमने जाली स्टार्ट की थी पहले, अब हमारा फंदा यहाँ पे कम होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये दो फंदे हमारे, दो का हमने एक बनाना है और ये जो है बाद में ऐसे ही लेना है, और उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी आएगी। इस डिज़ाइन में जो उल्टी रोज़ है हमारी, वो सारी उल्टी ही डलेगी, उसमें ना ही कोई कम करना है ना ही कोई बढ़ाना है फंदा। देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई डिज़ाइन की तीसरी रो में है। पहले हमने जो डिज़ाइन बनाया, दूसरी रो में हमने जो सारी उल्टी की उल्टी डलेगी, और अब हमारी थर्ड रो है, इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जिगजैग पैटर्न बनेगा। ये पहले हमने फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, अब हमने बढ़ाना नहीं है, धागे को पीछे ही रखना है और दो का हमने ऐसे ही एक करना है, ऐसे दो का हमने एक किया जहाँ पे फंदा हमारा घट गया, और फिर से धागा आगे किया, फिर से दो का एक, और पूरी रो जो है वो वैसे ही कंप्लीट करनी है जैसे हमने पहली रो की थी। ये देखिए, फिर से धागा आगे किया, बस जस्ट स्टार्ट में ही, ये स्टार्टिंग में यहाँ से थोड़ा सा लगता है, बाकी रो पूरी की पूरी वैसे ही डलेगी। स्टार्टिंग में पहले एक फंदा यहाँ पे हमने बढ़ाया था, जो जाली डली थी, दूसरी बार हमने जो पहले वाला फंदा है ये वाला वो घटाना है, बाकी सारी रो वैसी की वैसी ही डलेगी। दो का एक बनाया, धागा आगे किया, फिर से दो का एक बनाया। ये देखिए, पहले हमारा दो का एक यहाँ पे बना था, अब ये वाला फंदा लेके आगे वाला, यहाँ से धागे को आगे करना है और दो का हमने एक बनाना है ऐसे। जी आप अपनी कार्डिगन में डालिए तो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आप हाफ 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 डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ऊपर का हिस्सा प्लेन बना लीजिए और नीचे का हाफ में ये जाली वाला डिज़ाइन डालिए। जब आप मफरल बनाना चाहते हैं, स्कार्फ बनाना चाहते हैं, उसमें भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा।
धागे को आगे करके पूरी रो वैसे ही कंप्लीट करनी है जैसे हमने पहली रो डाली थी। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज करना है इसको, एक बार फंदा हमने बढ़ाना है, दूसरी बार हमने घटाना है। ये देखिए फिर से धागा आगे किया और ये हमने दो का एक बना लिया। देखिए अब हमारे पास एक फंदा बचा है, अब इसे कैसे बनाना है, फिर से धागे को आगे करके इस पे भी हमने जाली डालनी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमारा फंदा यहाँ पे घटा था, अब यहाँ पे बढ़ेगा। हमारे पास 46 के 46 फंदे ही रहने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, नहीं तो हमारा डिज़ाइन सारा खराब हो जाएगा। और उल्टी रो वैसे ही डालनी है, बिल्कुल सिंपल ही, सारी उल्टी की उल्टी ही डालनी है। ऐसे ही करके आप एक से चौथी सिलाई तक हमारी सारा ही डिज़ाइन डलेगा जैसे हमने ये डाला है। एक बार फंदा घटेगा और एक बार हमारा फंदा बढ़ेगा स्टार्टिंग में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ऐसे ही करके आप 27 या 28 इंच या 30 इंच बना लीजिए, सीधा ही बनाना है, कुछ भी इसमें और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही जो 46 फंदे लेके ऐसे ही सीधा बनाना है, सीधा बना के मैं आपको फिर से दिखाऊंगी सारा कंप्लीट करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इतना लंबा हमारे पास है, यहाँ से हमें अब बाइंड ऑफ करना है। ये देखिए ये दो का हमने एक बनाना है, फिर से इस बारे फंदे को इस सिलाई में लेके फिर से एक और साथ लेके फिर से दो का एक बनाना, ऐसे ही करके हमने ये सारा बाइंड ऑफ करना है। ये देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैंने ये नॉर्मल सी ऊन ली है और मैंने 8 नंबर की नीडल यूज़ की है ताकि ये थोड़ा ढीला सा बने। ये देखिए आप अगर मोटी ऊन लेना चाहते हैं तो मोटी ऊन के साथ मोटी सिलाइयाँ ही ले लीजिए, इससे थोड़ा ढीला ढीला सा बनता है। ऐसे ही करके आप बाइंड ऑफ कर लीजिए सारा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सारा बाइंड ऑफ हो चुका है ऊपर से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये वाला हमारा ये पूरा पोर्शन बन गया पोंचू का। अब हमने इसे फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे हाफ में इसे ऐसे हमने फोल्ड करना है और यहाँ से ये वाला पोर्शन उठा करके यहाँ पे हमने इसे सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे इसको हमने स्टिच करना है, ये दोनों पल्लों को हमने साथ में लेके इसको स्टिच करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं आपको सारा सिल के फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई हमने कैसे करनी है, ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे एक फंदा यहाँ से उठाना है ऐसे। ये देखिए हमें दिखाई देगा, ये यहाँ से हमने उठा करके ऐसे, और एक फंदा हमने इधर से लेना है। ये देखिए ऐसे एक फंदा इधर से लिया और दोनों को ऐसे खींच के साथ में मिला लिया। फिर से दूसरी बार एक फंदा हमने, ये देखिए एक स्टिच हमने इधर से लिया ऐसे, और एक हमने इधर से लिया। ऐसे ही करके हम इसको सारे को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ऐसे ही करके आप ये सारा स्टिच कर लीजिए। मैं आपको सारे स्टिच करके फिर से दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोंचू बनके तैयार है। इसको हमने क्या करना है, अब इसकी ये नेक है ये, इस पे हमने बीडिंग बनानी है और यहाँ पे यहाँ से लेकर के इसके चारों तरफ हमने यहाँ तक फिर से यहाँ भी नीचे बीडिंग बनानी है। आप चाहे तो लटकन लगा लीजिए, चाहे तो
आप वीडिंग बना लीजिए, चाहे तो आप पॉम पॉम लगा लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे बनाइए। मैं आपको बीडिंग बना के बताती हूँ। ये देखिए कैसे करना है हमने। एक स्टिच हमने ऐसे ही लिया और ये देखिए, ये देखिए ऐसे, एक दो और ये तीन, तीन बार हमने ये स्टिच बना करके एक दो तीन चार, चार चेन बना करके जो फर्स्ट वाली चेन है हमारी, वहाँ से हम क्रोशिया निकाल करके इसे स्लिप करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे हमने फिर से तीन बार हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो और ये तीन, फिर से दो चेन बनाई हमने और देखिए ये हमने एक हमने खाना छोड़ के, एक घर छोड़ करके हमने ये फिर से यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो और ये तीन, एक दो तीन चार, चार चेन बना करके हमने ये फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें से हमने ये स्लिप करना है, इस टांके को हमने यहाँ से स्लिप करना है, फिर से इसी घर में तीन बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, दो और ये तीन, फिर से दो चेन की हमने, और जहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है तीन बार, एक दो तीन चार, चार चेन बना करके फिर से वही रिपीट करना है हमने, जहाँ पे इस टांके को स्लिप करना है और इसके साथ जोड़ देना है, फिर से डबल क्रोशिया तीन बार बनाना है, ऐसे ही करके हमने ये सारा नेक का बॉर्डर बना लेना है। ये देखिए ये ऐसा डिज़ाइन हमारा आएगा। ये सारा कंप्लीट करके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के हमारा पोंचू कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए नीचे से भी ऐसे ही मैंने बीडिंग बनाई हुई है और ऊपर से भी, ये देखिए नेक से भी, और ये हमने पॉम पॉम लगाए हैं डोरी बना करके, और ये मैंने बटन लगा लिए हैं, आप चाहें तो लगाइए, नहीं चाहें तो ना लगाइए। आप ऐसे ही करके आप अपना पोंचू तैयार कीजिए, जो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। थैंक यू।